आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता, बचे हुए आटे का। फ्रेंड्स, ये गुथे हुए आटे का हमने नाश्ता बना के तैयार किया है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये बनके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, आप लोग इसे आसानी से अपने घर पे सुबह शाम के नाश्ते में या बच्चों के टिफिन में भी बना के दे सकते हैं और खुद भी इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है, कितना क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पीएम रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता लेकर आई हूँ, जो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज मैं गूठे आटा से इस रेसिपी को बना के तैयार करूंगी। ये रेसिपी इतनी टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। फ्रेंड्स, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन आटा आप लोग जरूर बचा के रखेंगे, क्योंकि मैं आज इस बचे हुए आटे का बहुत ही टेस्टी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर रेसिपी मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बचे हुए आटे की रेसिपी बनाना देख लेते हैं। बचे हुए आटे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी, यहाँ पे अजवाइन लिया है 1/2 चम्मच, इसको प्रेस करके इसमें मैं डाल दूंगी। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। से फ्रेंड्स, हमारी यह रेसिपी बहुत ही चटपटा टेस्टी बनेगी। जब कभी भी आप लोग कोई भी आटा की रेसिपी बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा जरूर ऐड करना चाहिए। अब मैं इसके साथ ऐड करूंगी 1 चम्मच तक तेल। तेल में हमें अच्छे से इसमें मोवन देना है, ताकि हमारा यह खस्ता रेसिपी अच्छे से बने। जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वह बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच तेल ऐड कर दिया है। तो अच्छे से हमें इसमें मोमन देके इसको अच्छे से आटा को सेट कर लेना है। तो चलिए मैं अच्छे से डो को तैयार कर लेती हूँ रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटे का डो अच्छे से तैयार कर लिया है, तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ ढक करके, ताकि अच्छे से और सेट हो जाए। इसके लिए मैंने और क्या लिया है वो मैं देख लेती हूँ। नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 ये हमारे उबले आलू है, इसको मैंने अच्छे से छील कर मैश कर लिया है। अब इसके साथ मैंने मसाले क्या लिए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है अमचूर मसाला, हरी मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, थोड़े से ग्रेट किए हुए नीसी हींग, काली राई, साबुत जीरा, बारीक कटे हुए प्याज, हरी धनिया, ये हमारे मसाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपने पसंद से मसाले को लिया है। आप लोग अपने पसंद से जितना आपको चटपटा खाना पसंद है आप उसी के अनुसार आलू में मसाला ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सभी मसाले को मैं आलू में अच्छे से डाल के मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर दिया। मैं इसके साथ ऐड करूँगी ये हमारा बेकिंग सोडा है। अब इसके साथ मैंने लिया है थोड़ी सी हमारी ये लाल मिर्च पाउडर है। अब सभी चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारे चटपटे आलू बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब इसके लिए मैंने और क्या लिया है वो देख लेते हैं। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी आटा। अब इसके साथ मैं लूँगी 1 यहाँ पे मिक्सिंग बाउल, आटे को इसमें मैं ऐड कर दूँगी। आटा का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए हैं तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है साबुत जीरा, कुटी हुई ये लाल हमारी मिर्च है, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लिया है अजवाइन, ये हमारे कटे हुए बारीक हरी धनिया है। तो अभी मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ और ऐड करके इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब जिस कटोरी से मैंने आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने पानी लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार करूंगी। तो चलिए हमें किस तरह का बैटर चाहिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। हमें इसका न बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर चाहिए न बहुत ज़्यादा पतला बैटर चाहिए। तो किस तरह का हमें बैटर चाहिए चलिए मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी को ऐड कर दिया। अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूँगी। तो चलिए थोड़ा सा इतना पानी मैं और ऐड करके देखती हूँ, अगर लगेगा तो पूरा डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इतना पानी हमारा बच गया है। तो इसमें मैंने 1 कटोरी और 1/2 कटोरी से थोड़ा कम पानी मैंने इसमें ऐड किया है। तो हमें इस तरह से गाढ़ा बैटर चाहिए।
ये देखिए फ्रेंड, हमारा बैटर अच्छे से ये चटपटा बनके तैयार हो गया है। अब इसके साथ मैं और क्या ऐड करूंगी वो मैं देख लेती हूँ। अब बैटर को थोड़ा चटपटा बनाने के लिए टेस्टी मैं इसमें आधा नींबू ऐड करूंगी, तो इसका जूस मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसके साथ मैं ऐड करूंगी, यहाँ पे लिया है आधा चम्मच ये हमारा बेकिंग सोडा है, इससे हमारा जो है ये नाश्ता बहुत कुरकुरा बनेगा और थोड़ा सा फूला फूला स्पंजी बनेगा। तो बैटर में हमें इस चीज को जरूर डालना है। मैं बैटर के साथ ऐड करूंगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इससे डालने से हमारा नाश्ता जो है एकदम फ्लेवरफुल बनेगा, देखने में लुक इसका अच्छा लगेगा। तो चलिए, हमारा ये चटपटा बैटर बनके तैयार हो गया है, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने एक चकला पे डो को ले लिया है। अब इस डो का मैं दो भाग में डिवाइड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, दो भाग में मैंने डिवाइड कर लिया है। अब मैं इसका एक टिक्का बना के तैयार करूंगी और टिक्का बना के इसे मैं रोटी की तरह बेल लेती हूँ। तो रोटी से हमें थोड़ा इसे मोटा बेलना है, तो किस तरह हमें बेलना है चलिए मैं आप लोगों को इसे बेलकर दिखाती हूँ। रोटी से मोटा मैंने इस तरह से इसे बेल लिया है, तो इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्लास, तो आप कोई कप कटोरी ग्लास कुछ भी ले सकते हैं, जितना बड़ा आपको इस नाश्ते को बनाना है आप अपने पसंद से इसे छोटा बड़ा कट करके बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से सारा कट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी इस तरह से टिक्कियाँ बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें इसकी थिकनेस चाहिए, जिस तरह से आप लोग को वीडियो में दिख रहा है ये जो आटा बचा है, इसी तरह से मैं सारे टिक्कियाँ को बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की बहुत ही न्यू रेसिपी है, तो आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। आज बहुत ही चटपटा टेस्टी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो चलिए, इसी तरह से मैं सारी टिक्की को बना के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ को इस तरह से बेल के कट करके तैयार कर लिया है फ्रेंड। तो चलिए, मैं अब नाश्ते को बना लेती हूँ। अब सारी टिक्कियाँ पे मैं जो ये फिलिंग बना के तैयार करके रखी थी आलू का, अब मैं सारी टिक्की पे इसे अच्छे से लगा दूंगी। तो चलिए, अच्छे से पूरे टिक्की पे मैं सेट कर देती हूँ। तो किस तरह से हमें लगा के सेट करना है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सारी टिक्कियाँ पे मैंने आलू को अच्छे से सेट कर दिया है। तो इसी तरह से हमें आलू को पूरी टिक्की पे लगा के सेट कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, सारी टिक्कियाँ में मैं इसी तरह से आलू को लगा के सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी टिक्कियाँ को, ये देखिए फ्रेंड, पूरा अच्छी तरह से मैंने इसको फिल कर लिया है, अच्छे से मैंने बना लिया है। तो चलिए, मैं चलती हूँ गैस की तरफ, इसे मैं बना लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये जो बैटर बना के रखा था फ्रेंड, इसमें मैं डालूंगी, यहाँ पे दो चम्मच लिया है सफ़ेद तिल। आप लोग को अगर ये पसंद है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसे डालने से बहुत ही बढ़िया हमारा नाश्ता क्रिस्पी बनेगा, मुंह में खाने के बाद थोड़ा क्रंची क्रंची लगेगा। तो चलिए, अब मैं गैस की तरफ चलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके पैन को रख दिया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं जो ये बैटर बनाई हूँ, जो ये मैं आलू का फिलिंग बना के टिक्का बना के तैयार किया है, अब मैं बैटर में इसे डिप करूँगी और इसमें मैं एक एक करके सेट कर दूँगी। तो चलिए, मैं सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने टिक्की को इसमें बैटर में डिप किया और इसमें अच्छे से मैंने डाल दिया। तो चलिए, इसी तरह से मैं सारे टिक्की को इसमें बैटर में लगा के डाल देती हूँ। तो एक बार में जितना टिक्कियाँ इसमें आती है हमें उतना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें टिक्कियाँ को नहीं डालना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम पे कर देना है। तो ये देखिए फ्रेंड, सारे टिक्कियाँ को मैंने इसमें डाल दिया है जितना तेल में आया है। तो एक तरफ इसे ब्राउन होने तक मैं पका लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे पलट देती हूँ। तो एक बार में जितना पैन में आता है हमें उतना ही टिक्कियाँ इसमें ऐड करना है। तो तेल यहाँ पे मैंने मूंगफली का लिया है, आप लोग अपने पसंद का तेल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक तरफ इसे ब्राउन होने तक पका लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा नाश्ता एक तरफ से ब्राउन हो गया है, चलिए इसे मैं पलट देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया इसका कलर आया है, कितना टेस्टी बन के हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से मैं सारे को पलट लेती हूँ। तो
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नाश्ते को अच्छे से पलट दिया है, तो दूसरी तरफ भी हमारा ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो हमें मीडियम फ्लेम पे इसे एक से दो बार अच्छे से अलट पलट के ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी, कितना चटपटा हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हुआ, इसका कलर कितना बढ़िया आया है, इसका लुक देखने में कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा कि यह बचे हुए आटे का इतना बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा नाश्ता ब्राउन हो गया है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ एक एक करके। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया इसका लुक आया है देखने में नाश्ते का, आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए, सारे नाश्ते को मैं इसी तरह से बना के आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने नाश्ते को बना के सर्व कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना बढ़िया हमारा टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। आप लोग इस नाश्ते को एक बार बना के खा लेंगे तो आप लोग पिज्जा, पकौड़ी, खस्ता सभी रेसिपी खाना भूल जाएंगे। इस रेसिपी के आगे आप लोग को सारी रेसिपी फीकी लगेगी फ्रेंड। तो देखिए कितना हमारा सुंदर नाश्ता ये बनके तैयार हुआ है। आप लोग इस नाश्ते को एक बार जरूर बना के तैयार करना मेरे बताए अनुसार। आज की हमारी ये गुथे हुए बचे आटे की रेसिपी आप लोग को कैसे लगी? अगर आज की रेसिपी आप लोग को हमारी ये पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने मनपसंद चटनी के साथ बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस रेसिपी को बनाना और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। क्या करूँ?